खबर इस वक्त जो हमको मिल रही है वो गुजरात के पाटन से, जहां पर अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि मामला आचार संहिता के उल्लंघन का है। दरअसल चार दिन के अपने गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल थे और जब वो पाटन पहुंचे तो वहां उनको रोक दिया गया, ये कहकर कि उनका जो पूरा रोड शो है, वो जो पूरा कार्यक्रम गुजरात में अपना कर रहे हैं चुनावी कार्यक्रम, वो आचार संहिता का उल्लंघन है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। जी अनुराग, विस्तार से बताइए कि पूरा मामला है क्या, किस तरह से इसको उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है। रितुल, आपसे कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, यहाँ समी विलेज था एक वहाँ पर, और वहाँ पर पूरे स्टाफ से पूछते हुए वहाँ पर जब कमरा अरविंद केजरीवाल ने तमाम दिखाई कि वहाँ स्टाफ नहीं है, और उसके कुछ ही देर बाद जब आगे बढ़े तो बहुत से लोग काले झंडे दिखाते अरविंद केजरीवाल को, और उसी स्पॉट से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जो राधनपुर पुलिस है उसने डिटेन कर लिया। उनकी गाड़ी आप देख सकते हैं कि थाने के भीतर उनकी गाड़ी अभी अरविंद केजरीवाल की खड़ी हुई है, उनको थाने के अंदर ले जाया गया है। और अरविंद केजरीवाल ने जो एसपी है उनको ये कहा है कि वो ये लिखित में दें कि उनको किन चार्जेस में डिटेन किया जा रहा है, किस आधार पर उनको डिटेन किया जा रहा है। और अगर दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो थाने के ठीक बाहर धरने पर बैठ गए, तमाम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि भीड़ जमा है, जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में लोग हैं उनकी भी काफी यहाँ पर भीड़ जमा हो गई है, और लगातार रघुपति राघव राजा राम इस तरीके से जो प्रोटेस्ट का तरीका है आम आदमी पार्टी का, उस तरीके से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। तो एक बात तो कम से कम साफ है कि अरविंद केजरीवाल जो चाह रहे थे इस दौरे से वो होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा राजनीतिक माहौल यहाँ पर फिलहाल गर्मा गया है। हालांकि अभी सूचना ये मिल रही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक किया है, इसलिए पुलिस उनको डिटेन कर रही है, लेकिन किस मामले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक किया है और क्या आधार है वो अरविंद केजरीवाल भी लगातार पुलिस से पूछ रहे हैं, और मीडिया को फिलहाल थाने के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मीडिया को इन्फॉर्मेशन कोई पुलिस की तरफ से अभी नहीं दी गई है, और तमाम आप समर्थक देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो थाने के ठीक बाहर पूरा रास्ता थाने का ब्लॉक कर दिया है, उसके ठीक बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए। तो यानी गुजरात में मोदी की जमीन पर जो केजरीवाल जो प्रदर्शन करना चाहते थे वो होते हुए नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं दो चीजों को अरविंद केजरीवाल अब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो सरकारी जो कमियां दिखाई सरकारी अस्पताल की, उसके कम 15 या 20 मिनट के बाद ही उनको डिटेन कर लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर इस बात को आम आदमी पार्टी मुद्दा बनाएगी, और कम से कम फिलहाल अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल राधनपुर पुलिस स्टेशन के भीतर है। जी जी अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बता के डिटेन किया गया है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को, लेकिन क्या क्या नियम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो आते हैं, क्योंकि कौन सा मामला बनता है, किस चीज़ के तहत डिटेन किया गया है, ये अभी तक गुजरात पुलिस की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। इस पूरे मामले में आपको क्या संभावना दिखती है कि क्या उल्लंघन रहा होगा? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बस अभी कुछ घंटे पहले ही लागू हुआ है 10:30-11 बजे से, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये सबसे पहला बड़ा मामला है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, और इसमें मेरा ये मानना है कि वाहनों की संख्या सीमित है, जिसमें आप रोड शो करेंगे उससे पहले पहले इजाजत लेंगे, और कितने वाहन आएंगे उन तमाम चीजों की आप इजाजत लेंगे और सूचना भी देंगे और इजाजत भी देंगे। हो सकता है कि उसमें ना इन्होंने सूचना दी हो, क्योंकि एट रैंडम इनका मामला बना है और उसमें जिसको अपनी गाड़ी मन है वो सारी गाड़ियां लेके चल रहे हैं इनके काफिले के साथ, तो मुमकिन है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो वाहनों की संख्या तय बताई गई है और उन संख्या उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर और तमाम जानकारियां चुनाव आयोग को और स्थानीय प्रशासन को देनी होती हैं, वो चीजें नहीं होंगी, इस वजह से उन्हें वहाँ पूछताछ के लिए और तमाम तस्दीक के लिए वहाँ पर थाने में रखा गया। संजय, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब अरविंद केजरीवाल का ये पूरा प्रोग्राम बना था गुजरात जाने का, उस वक्त तक इलेक्शंस अनाउंस भी नहीं हुए थे, हालांकि चुनाव का तारीखों की घोषणा होने के फौरन बाद ही आचार संहिता जो होती है वो एक तरह से लागू हो जाती है, मगर क्या ये कोई दलील हो सकती है कि जी जब हमने ये दौरा प्लान किया था तब हमको मालूम नहीं था, या जैसे ही आचार संहिता लागू होती है उसके बाद आप दौरे के किसी भी स्टेज में क्यों ना हो फौरन आपको सारी जानकारी मुहैया करानी पड़ती है लोकल प्रशासन को? आचार संहिता लागू होते ही आप जैसे हैं वैसे ही वो आप पर लागू हो जाती है, और जिस भी स्थिति में आप हैं ये तो संजोगी कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी के और या आम आदमी पार्टी का जो रोड शो चल रहा है सिर मुड़ाते ही पड़ गए ओले। तो जैसे ही आचार संहिता लागू हुई इनके आधे में ही रोड शो था और काफिले को धर लिया गया, वहां थाने में डिटेन कर लिया गया,
तो सिर्फ एक संजोग के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते होने पड़े जी। और संजोग भी ऐसा कि देखिए रोड शो भी था मोदी के गढ़ में, मोदी के राज्य में, जहां पाटन जो कि उत्तरी गुजरात का इलाका है वहां पर मोदी एक सरकारी अस्पताल के अंदर, केजरीवाल एक सरकारी अस्पताल के अंदर पहुंचे, वहां की बदहाली, वहां की दुर्दशा के बारे में वो बात कर रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने उसे उजागर किया और इस का दौरा करके जब वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे तब गुजरात पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। फिलहाल उनको थाने के अंदर ले जाया गया है जहां पर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। पूछताछ इस वक्त अरविंद केजरीवाल से चल रही है और थाने के बाहर आप समर्थकों की भीड़ भी अच्छी खासी जमा हो गई है जो एक तरह से धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अनुराग ढांडा और वो इस दौरे को कवर भी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के। अनुराग, एक संभावना ये हो सकती है कि चूंकि आचार संहिता आज सुबह चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही लागू हो गई थी तो जो चीज़ें होती हैं कि आपके काफिले में कितने लोग चलेंगे, गाड़ियां कितनी होंगी, उस सब की जानकारी लोकल प्रशासन को मुहैया कराई जानी चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल की टीम ने ये जानकारी प्रशासन को दी थी या नहीं, या उनको मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी करना होगा? अनुराग ढांडा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं गुजरात से, पाटन से। हम दोबारा उनके पास जाएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि चल क्या रहा है। देखिए अनुराग को आप इस वक्त देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ उनके पीछे भारी भीड़ आप समर्थकों की जो इस वक्त विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और उसी थाने के बाहर पहुंच गए हैं जहां अनुराग है। अनुराग, ये बताइए, एक जो मामला हो सकता है वो ये हो सकता है कि शायद अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी ही नहीं। जी अनुराग, आप मुझे सुन सकते हैं? देखिए बिल्कुल जानकारी दी गई इस तरह की, तो जी बिल्कुल रितुल, मैं आपको सुन सकता हूं। और जैसा आप कह रही हैं कि जानकारी दी इस दौरे के बारे में डिटेल पुलिस को दिया, ये प्रतीत नहीं होता है फिलहाल, क्योंकि कुछ देर तक तो पुलिस की गाड़ी ने एस्कॉर्ट किया, पायलट किया अरविंद केजरीवाल को और उसके बाद वो पायलट गाड़ी हटा ली गई। अरविंद केजरीवाल पिछले एक घंटे से अपनी ही गाड़ियों के काफिले के साथ ट्रेवल कर रहे थे और उसके बाद जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक गांव में जाकर के जिस तरीके से अस्पताल का दौरा किया, उससे बाहर निकलते ही लोगों ने काले झंडे दिखाए और वहीं पर पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को डिटेन कर लिया। और ये तमाम जो उनके समर्थक हैं ये यहाँ पर लगातार खड़े हुए हैं, विरोध कर रहे हैं लगातार। क्या इनका कहना है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कहना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कह रहे हैं लागू हो गया चुनाव घोषित होते, इसलिए उनको उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। पता नहीं है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। हम सुबह से निकले हुए हैं, अभी समय में हॉस्पिटल का दौरा करके अभी राधनपुर आए, राधनपुर में बीच में ही श्री अरविंद केजरीवाल को। चलिए रितुल, ये लोग भी यही कह रहे हैं कि इनको कोई जानकारी नहीं थी, चूंकि दौरा जो था अरविंद केजरीवाल का वो सुबह से ही शुरू हो गया था और तब से लगातार अरविंद केजरीवाल मूव कर रहे हैं, तो उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि कब घोषणा हुई और कब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकी। लेकिन साफ है कि अब साफ तौर पर टकराव नजर आ रहा है, जब गुजरात में अरविंद केजरीवाल को डिटेन कर लिया गया है और उसके बाद जो तमाम पार्टी के वर्कर्स हैं वो इसको किस तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या 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 कहना चाहते हैं आप, क्यों हुआ? मोदी जी डर गए हैं इसलिए ये सब करवा रहे हैं। मोदी कोई डर नहीं गए, मोदी नहीं डर गए, मोदी डर गए हैं और उनको लगता है कि अब मेरे मेरे वो स्कूल जाएंगे। रात का विकास का जो गुरप्पा है, तमाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनुराग, अनुराग ये बताइए, अच्छी खासी भीड़ मुझे दिख रही है यहाँ पे आप समर्थकों की, कितने लोग हैं जो यहाँ जुटे हुए हैं? ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी यहाँ पर दबाव बनाया जाए पुलिस पर और लगातार पुलिस स्टेशन के बाहर इसी तरीके से धरना और नारेबाजी चल रही है। जी हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा, आप देख सकते हैं कि इस वक्त अच्छी खासी भीड़ आप समर्थकों की वहां पर जुट चुकी है, झंडे लेकर, काले झंडे लेकर वो वहां पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस स्टेशन के बाहर ही जमीन पर बैठ गए हैं बिल्कुल धरने वाले अंदाज में और रघुपति राघव राजा राम के सुर भी आपको इस थाने के बाहर सुनाई दे जाएंगे। बड़ी दिलचस्प बात है कि गांधी जी का ये जो मनपसंद भजन था वो गांधी जी की जमीन पर ही अब आपके समर्थक विरोध प्रदर्शन के लिए गा रहे हैं। उनका कहना है कि सही तरीका नहीं है अरविंद केजरीवाल को इस तरह से रोके जाने का। बताया ही गया है कि आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है, इसीलिए उनको डिटेन किया गया है। लेकिन किस विषय में, किस तरह से ये उल्लंघन हुआ, किस चीज़ को लेकर
ये उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस की तरफ से अभी इसकी कोई जानकारी आई नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल थाने के अंदर मौजूद है जहां मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आपको पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट हम बता दें कि अरविंद केजरीवाल 4 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज सुबह से ही वो इस दौरे पर निकले हुए थे और एक सरकारी अस्पताल वो पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने हॉस्पिटल का दौरा किया और ये कहा कि उन्होंने इस हॉस्पिटल की बुरी हालत को उजागर कर दिया, इसीलिए जब वो आगे बढ़े तो उनको डिटेन कर लिया गया। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। जो नियम कायदे कानून है वो ये कहते हैं कि जैसे ही चुनाव का ऐलान हो जाता है, चुनावों की घोषणा हो जाती है, उसके बाद से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। और हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमको बता रहे थे कि एक बार आदर्श आचार संहिता लागू अगर हो जाए तो फिर तमाम तरह की जानकारी आपको मुहैया करानी पड़ती है। ये भी बताना पड़ता है अगर आप रोड शो कर रहे हैं तो आपके साथ कितने लोग चलेंगे, कितनी गाड़ियां उस काफिले में होंगी, खर्चे वगैरह, तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है, हालांकि इसके बारे में कोई खबरों की पुष्टि नहीं हुई है, अभी ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें अरविंद केजरीवाल ने की नहीं। सुबह से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी, लेकिन शायद गाड़ियों की संख्या, साथ चलने वाले लोगों की संख्या नहीं पहुंचाई गई होगी पुलिस को, इसी की वजह से शायद ये डिटेंशन अभी किया गया है। लेकिन पूरे तौर पर अगर इस पूरी घटना को देखें तो फायदा साफ तौर पर दिखता है कि अरविंद केजरीवाल को ही मिलेगा, क्योंकि मोदी को बार बार वो चुनौती देते हैं और पिछले कई दिनों से वो सीधे सीधे इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं कि वो मैदान में आमने सामने की टक्कर में खड़े हैं नरेंद्र मोदी के सामने। और अब जब वो मोदी की ज़मीन में है, मोदी के राज्य में है, वहाँ पर अगर उनको डिटेन किया जाता है तो वो इसे एक राजनीतिक मुद्दा ज़रूर बनाएंगे, इसके बारे में बातें ज़रूर होंगी, ये मुद्दा तूल ज़रूर पकड़ेगा और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनके फेवर में ही जाएंगी। अगर आप उस थाने को देखें जहां अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा गया है, डिटेन किया गया है, पुलिस जहां उनसे पूछताछ कर रही है, वहां पर एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई है आपके समर्थकों की, धरने जैसा पूरा एक माहौल बन गया है, लोग ज़मीन पर बैठ कर रघुपति राघव राजा राम गा रहे हैं और सीधे सीधे इस राजनीतिक लड़ाई में एडवांटेज फिलहाल इस क्षण के लिए, इस मोमेंट में अरविंद केजरीवाल की ही दिखती है। इंतज़ार अब बात का भी है कि गुजरात पुलिस की तरफ से बयान आए, ये बताया जाए कि किस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, क्यों उनको डिटेन किया गया है और अब आगे क्या होगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप आज तक पर देख पा रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे गुजरात में दौरे के लिए और जब उनको पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया गया, फिर क्या हुआ। छन की आ रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल का ये रोड शो बगैर इजाजत हो रहा था, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी थी। चलिए हम जाके देखते हैं सीधे और पता लगाने की कोशिश करें कि वहाँ हो क्या रहा है। ये पुलिस स्टेशन के अंदर के हम आपको शॉट्स दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी भी पुलिस उनसे बात करें। तस्वीरें हम आपको उस अस्पताल की दिखा रहे हैं जहां दौरा किया था अरविंद केजरीवाल ने, जब वो अंदर गए तो उसके बाद उनका कहना था कि इस हॉस्पिटल की क्या हालत थी, उसको उन्होंने उजागर कर दिया। दरअसल मीडिया वालों की अच्छी खासी भारी भीड़ अरविंद केजरीवाल के साथ चल रही थी और उनका कहना था कि अब वो एक एक करके, जैसा कि उनका कहना भी है कि मोदी के राज की जो सुशासन की बात होती है, गुजरात को एक मॉडल स्टेट बताया जाता है, उसकी पोल, उसकी हकीकत वो सामने रखने वाले हैं।